हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेदु। मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपकी वो चेदु ngoimu। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिक्सार प्रोटेल कार्टून पिक्चर एडिटिंग देने वाला हूं। तो अगर आपको अपने किसी भी पिक्चर को कार्टून पिक्चर में कन्वर्ट करना सीखना है तो हमारे इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए। इससे क्या होगा कि अगर हम अपने नॉर्मल पिक्चर को कार्टून पिक्चर जैसे टाइप में कन्वर्ट करके इंस्टा या फेसबुक में डालते हैं तो उस समय हमें बहुत ढेर सारा लाइक आते हैं और हमारा जो फॉलोअर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों को नॉर्मल से कहीं ज़्यादा इमेजिन पिक्चर हम अपलोड करते तो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आपको भी अपना ऑडियंस के इम्प्रेस या अपना फॉलोअर बढ़ाना तो इसके लिए आपको अच्छा अच्छा फोटो या पोस्ट करना सीखना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको अच्छा पोस्ट बनाना आना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा नोज़ आ गया था, ठीक है, उधर उधर कुत्ते तरफ हो गया और कुछ आवाज़ें आ रहे हैं, मैं इसे बंद नहीं कर सकता। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपना मोबाइल स्क्रीन पर आपको ये सिखाने के लिए कि आप अपने किसी भी पिक्चर को कार्टून पिक्चर में किस तरीके से बदल सकते हो। तो इसके लिए आपको आपके पास पिक्स आर्ट एप्लीकेशन जो होना ज़रूरी है। अगर आपको मोबाइल में नहीं, आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये अवेलेबल है प्ले स्टोर में। तो आपको क्या करना है, अपना पिक्स आर्ट को ओपन करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले तो क्रोम या फिर यूसी ब्राउज़र से जाके आपको एक बैकग्राउंड जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो बैकग्राउंड जो है ग्रीन या फिर येलो जो भी हो चलेगा, लेकिन प्लेन होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे हम क्या करेंगे, ऑल फोटो पर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ में अपना बैकग्राउंड चूज़ कर देंगे हम। ये हमने येलो वाला रखा हुआ है यहाँ पर। उसके पीछे हमने बैकग्राउंड चूज़ कर दिया। उसका बाद हम यहाँ नीचे बढ़ते हैं, सारे ऑप्शन और उनमें से आपको थोड़ा आगे स्वैप करना है। उसके पीछे यहाँ पर एड फोटो लिखा हुआ, आपको एड फोटो में जाकर अपना पिक्चर लेकर आना है। आपको जिस पिक्चर को कार्टून बनाना है उस पिक्चर को आप उस पिक्चर के पहले से PNG पिक्चर बना के रख सकते हैं। अगर आप पहले से हमारे तरह PNG पिक्चर बना कर रखते हैं तो बहुत आसान होगा। अगर आपने PNG पिक्चर नहीं बनाया है तो हम क्या करेंगे, जो पिक्चर हमें कार्टून बना उस पिक्चर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके पीछे यहाँ पर ऊपर एड देख रहे, एड में हम दबा देंगे। दबा देने के बाद हम यहाँ पर इसको कट आउट पर चला जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल पर कट आउट कर देंगे। उसके पीछे यहाँ पर हम थोड़ा कट के इसको मिला लेंगे, ठीक है। आपको अपना जो बदन शेप है उसमें सिर्फ मार्क करना है, बाकी सब जो है नहीं करना, ठीक है। उसके पीछे हम यहाँ पर गो बटन एक जो गो वाला बटन है उसमें आपको क्लिक कर दे। उसके पीछे हमें तीन आ रहा है तो आपको सबसे लास्ट वाला का लोगों पर एक बार दबाना है। उसके पीछे देखना है कि ये अच्छे तरीके से हुआ या नहीं हुआ। अगर कुछ कुछ ज़्यादा ही मिट गया है तो आपको ये फास्ट वाला पेंसिल पर जाना है। उसके पीछे थोड़ा जूम करके आप यहाँ पर फिर से लगा सकते हैं, जैसे हम लगा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हमने अपना कान जो है लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा से इसको फिर से मिटाना होता है। आप यहाँ पर लावर पर जाएंगे आप, ठीक है, लावर पर जाइएगा। उसके पीछे आप इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से मिला लीजिए जो हिस्सा नहीं चाहिए। अब हमने इसको लगभग मिला लिया है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर देना, सेव करने के बाद आपका सामने इस तरह का दिखेगा। तो अब आपको यहाँ से डायरेक्ट ऊपर में राइट वाला बटन पर राइट नहीं करना है, आपको यहाँ से इफेक्ट पर चला जाना है डायरेक्टली। इसके लिए आपका मोबाइल के डेटा ऑन होना है। अगर आपका मोबाइल में डेटा ऑन नहीं होगा तो ये नहीं बन पाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे जाएंगे, यहाँ पर देर सारा आते हैं तो यहाँ पर स्क्रैच पर आपने चला जाना है, ठीक है। स्क्रैच पर चला जाने के बाद यहाँ स्क्रैच में भी देर सारा आते हैं तो उसमें आपको स्क्रैच वन पर दबा देना है। उसके पीछे दबाने के बाद कुछ तरह से आएगा तो आपको यहाँ पर स्क्रैच वन पर फिर से एक बार दबाना है। उसके पीछे आपको इसका हॉरिजॉन्टल जो है थोड़ा मिला देना है, ठीक है। आपको अपन हाथों से जितना आपका शेप है उसके साथ बराबर मिला लीजिएगा, जिसे हमने मिला यहाँ पर। उसके पीछे यहाँ पर लेन आ रहा है, आपको इसको थोड़ा से 32 के आसपास रख देना है। उसके पीछे आपको यहाँ पर इसका कलर को ब्लैक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैकिंग वाइट को भी 38 के आसपास रख देना है। उसके पीछे फिट को जो नंबर 6 के आसपास रख देना है। अब हमने इसके रख दो, उसके बाद हम इसको राइट कर देंगे आप, ठीक है। अब हमने राइट कर दिया, हमारा पहला हिस्सा जो है बन कर तैयार हो गया। हम फिर से एक बार यहाँ पर राइट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्वैप करके आगे लेंगे, ठीक है। आगे लेने के बाद यहाँ पर फिर से इफेक्ट आएगा तो आपको यहाँ पर आपको मैजिक पर चला जाना है, ठीक है। मैजिक वाला पर चला जाना है। मैजिक पर जाने के बाद आपको थोड़ा स्वैप करना है, थोड़ा स्वैप कर दीजिएगा। अभी स्वैप करने के बाद आपको यहाँ पर सोल्ड देख रहे हैं ना, आपको सोल पर चला जाना है। सोल पर जाने के फिर से एक बार सोल पर दबाना है। उसके पीछे इसका नंबर को थोड़ा मिला लेना आपने, आप देख सकते हैं।
आप इसका नंबर को लगभग 80 के आसपास रख दीजिएगा, 81-80 के आसपास आप हमने इसे रख दिया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इफेक्ट पर एक बार दबाएंगे उसको राइट करने के बाद। अब हम यहाँ पर इसको अनडिट कर देंगे, ठीक है, अनडिट कर देंगे। फिर से हम अनडिट पर एक बार दबाएंगे, इसका नंबर को थोड़ा मिलाएंगे। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि हमारा जो फोटो और ज़्यादा एट्रेक्टिव लगेंगे, ठीक है। उसके नीचे आप यहाँ पर इसका कलर जो है, डार्कनेस का बैकग्राउंड जो है, इस तरीके से मिला सकते हैं। अगर आप मिलाना चाहे तो, नहीं चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं। तो अब हम इसको राइट कर देते हैं, राइट कर दे। देखिए अब हम आपको जूम करके दिखाते हैं, हमारा पहला और अभी जो है बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। देखिए ये एकदम कार्टून हो चुका है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अगर आप इसको आपको सेव करना है तो आपको क्या करना है, ड्रॉ पर चला जाना है। ड्रॉ पर जाने के बाद ड्रॉ और कलर आ रहा था, फिर से एक बार ड्रॉ पर चला जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर तीन डॉट देख रहे, तीन डॉट पर दबाना है, उसके पीछे आपको सेव इमेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमने इसको सेव इमेज पर क्लिक कर दें, अब हम इसे बैक कर सकते हैं, ठीक है। हम अब इसको हम अपने गैलरी पर जाकर आपको दिखाते हैं कि ये हुआ है नहीं, ठीक है। ओके, हम गया अपने गैलरी पर, इसको बच्चे आप देखिए दोस्तों, ये पिक्चर जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगे कि आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बाजू में बेल आइकन उसको दबाए, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट या फिर हैव अ गुड डे।